मुझे काफी सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि लैब टेक्नीशियन के हाउस बिल्डिंग के ऊपर कोई वीडियो बनाए। काफी लोगों ने कहा कि मेडिकल लैब टेक्नीशियन, कोई चाहता था कि रेडियोलॉजी में मुझे टेक्नीशियन के रिलेटेड, कोई केमिस्ट्री और फिजिक्स लैब टेक्नीशियन बनना चाहता है। ये सारी चीजों पे अलग अलग बनाने से अच्छा मैंने सोचा कि चलो एक ही वीडियो में सारी चीजें इंक्लूड कर दे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। आज के वीडियो में हम वही सारी बात करेंगे कि ये हाउस बिल्डिंग की वर्क प्रोफाइल क्या रहती है, इसमें क्या काम करना होता है, क्या सीखना होता है, रिक्वायरमेंट क्या है, सैलरी क्या है, ग्रोथ क्या है, अगर फॉरेनर है तो ये हाउस बिल्डिंग को कैसे करना है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर स्वप्निल है और इलाइट आइडियाज बाय स्वप्निल में आप सबका स्वागत है। ये जो लैब टेक्नीशियन वाला जो पोर्शन है उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक पार्ट है नॉन मेडिकल और दूसरा पार्ट है मेडिकल। नॉन मेडिकल पोर्शन में आता है केमिस्ट्री और फिजिक्स लैब के असिस्टेंट, और जो मेडिकल पोर्शन आता है उसमें जो पैथोलॉजी लैब और रेडियोलॉजी लैब असिस्टेंट। पहले बात करेंगे हम नॉन मेडिकल ब्रांचेस की, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री लैब के असिस्टेंट की बात आती है। जैसे अपने देशों में भी होता है वैसे यहाँ पे भी फिजिक्स और केमिस्ट्री की लैब्स होती है अलग अलग जगहों पे, जैसे स्कूल में हो गई, कॉलेजेस में हो गई, इंस्टीट्यूट में हो गई, रिसर्च इंस्टीट्यूट में होती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो सब जगह पे जो है ये मेन पोजीशन पे तो हमेशा इंजीनियर्स रहते हैं, रिसर्चर्स रहते हैं। ये काम एग्जीक्यूट करने के लिए उनको असिस्टेंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, जो आज आसपास का काम करे। इसके लिए जो है ये हाउस बिल्डिंग होता है, ये लैब टेक्नीशियन का हाउस बिल्डिंग भी उसके लिए ही है। इसमें बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या रहती है जिस भी ब्रांच में आपको जाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको केमिस्ट्री लैब में जाना है, 12th में आपने केमिस्ट्री किया हुआ होना चाहिए और उसमें भी अच्छे मार्क होने चाहिए, 2.0 जो है ग्रेड ये लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आपको ग्रेडिंग सिस्टम अभी भी मालूम नहीं है तो ये वीडियो को जरूर देखिए, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि अपने परसेंटेज को ग्रेडिंग सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करना है। उसके लिए वो लोग जो है एक्सपेक्टेशन जो है वो 2.0 ग्रेड की रखते हैं। अगर आपका भी 12th में इतने आए हैं केमिस्ट्री के अंदर मार्क्स, आप ये प्रोफाइल में फिट बैठते हो। और फिजिक्स लैब के लिए वो उन लोगों को फिजिक्स 12th में अच्छे मार्क्स होने चाहिए, अगेन उसमें भी 2.0 ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं। उसके बाद तो है वो जर्मन लैंग्वेज होता है, बेसिकली रिक्वायरमेंट तो B1 है, पर B2 होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप थियोरी और प्रैक्टिकल सीखते हो, थियोरी के दौरान जो पूरी चीज़ें आपको सिखाई जाती है इसके बारे में, तो वो सारी चीज़ें जो है वो जर्मन में होती है, जो डिटेल में स्टडी होती है वो थोड़ी टफ रहती है। ये चीज़ें जो है वो फिर जर्मन में पढ़ाया जाए और आपके पास सिर्फ B1 लेवल है तो समझना और फिर बाद में एग्जाम क्लियर करना थोड़ा टफ हो जाता है। इसलिए बेटर है कि अगर आपकी प्रोफाइल B2 हो, आपको जो है वो आगे जाके फायदा जरूर होता है। अब बात करते हैं मेडिकल पोर्शन की। मेडिकल लाइन में जैसे मैंने बात किया कि उसमें दो टाइप का होता है, एक है वो ये जो पैथोलॉजी लेबोरेटरी में असिस्टेंट का काम करते हैं और दूसरा होता है वो रेडियोलॉजी में काम करते हैं। वे पैथोलॉजी असिस्टेंट में भी यही होता है कि जैसे डॉक्टर्स को कोई भी डायग्नोस करने के लिए ब्लड हो गया, यूरिन हो गया या तो फिर सलाइवा हो गया, ये सारी चीज़ों का जो है वो एनालिसिस करवाते हैं। यहाँ पे भी वो चीज़ सेम होती है, पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी में भेजते हैं, वहाँ पे सारी चीज़ें टेस्टिंग होती है और आपको सारे रिपोर्ट देने होते हैं। हाउस बिल्डिंग में आप वो सारी चीज़ें थियोरी के दौरान सीखते हो कि कौन कौन सी चीज़ें करनी होती है, कैसे सारे टेस्ट करने हैं, कौन से पैरामीटर माइक्रोस्कोप में देखना है, क्या नहीं करना है। ये भी इंटरेस्टिंग फील्ड है, पर इसके लिए अगर रिक्वायरमेंट जो है वो आपकी बायोलॉजी की है तो बायोलॉजी में आपका मिनिमम 2.0 ग्रेड होना चाहिए तो आपको प्रेफरेंस मिल सकता है। फिर जो है आप ये सारी चीज़ें वहाँ पे स्कूल में पढ़ते हो और सीख जाते हो। उसके बाद जो है आपको पैथोलॉजिकल लेबोरेटरीज में काम करना होता है, बड़ी बड़ी लैब्स होती है यहाँ पे। आगे जाके अगर आप पूरा मैनेजमेंट सीख जाते हो, सीनियोरिटी आ जाती है कुछ सालों की, तो उसके बाद फिर आप ये लेबोरेटरी को लीड भी कर सकते हो या तो फिर अपनी खुद की लेबोरेटरी भी ओपन कर सकते हो। ये पॉसिबिलिटी जो है वो ये हाउस बिल्डिंग में आपको मिलती है। जो रेडियोलॉजिकल हाउस बिल्डिंग जो है, रेडियोलॉजी असिस्टेंट, उसमें मतलब आप रेडियोग्राफिक सेंटर में काम करते हैं, मेन तो डॉक्टर रेडियोलॉजिस्ट होता है आपके ऊपर, जो एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, वो सारी चीज़ें जो है वो आपको एग्जीक्यूट करनी होती है। तो उसकी थियोरी में वो सारी चीज़ें आप डिटेल में समझते हो कि ये सारे पैरामीटर कैसे वर्क करते हैं, आपको कैसे सब कुछ करना है, ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट में रहती है। उसके लिए भी जो है आपको बायोलॉजी और फिजिक्स के अंदर 2.0 होना चाहिए, आपको प्रेफरेंस मिल सकता है और वो सारी चीज़ें जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। अगेन लैंग्वेज प्रोफाइल में भी मैं यहाँ पे कहूँगा कि बेसिक रिक्वायरमेंट तो B1 है वीज़ा के लिए, पर B2 होना आपके लिए फायदेकारक है क्योंकि यहाँ पे जो थियरी आप पढ़ोगे वो बहुत डिटेल में आएगी, मेडिकल लेवल में आएगी। उसकी पढ़ाई के लिए अगर आपका जर्मन लेवल B2 है तो आपको आगे जाके एग्जाम क्लियर करने में अच्छा पड़ेगा। ये हो गई रिक्वायरमेंट की बात। अब हम बात करते हैं कि इसमें सैलरी क्या होती है और ग्रोथ पोटेंशियल क्या है।
पहले नॉन मेडिकल फील्ड में बात करें, स्टाइपेंड जो जनरली होता है ये जो लैब टेक्नीशियन का, वो फिजिक्स और केमिस्ट्री का, उसमें हाउस बिल्डिंग जो है अराउंड 900 यूरो से शुरू होता है पहले साल में, फिर वो 1000 से 1100 यूरो तक जाता है। अगर हम मेडिकल फील्ड की बात करें, पैथोलॉजिकल या फिर रेडियोलॉजिकल असिस्टेंट की, उसमें स्टार्टिंग सैलरी जो होता है वो आपका 1000 यूरो के आसपास से शुरू होता है और वो 1200 यूरो तक जाता है 3 साल के दौरान। जैसे ही आपका हाउस बिल्डिंग खत्म होता है, दोनों फील्ड में जनरली स्टार्टिंग सैलरी जो जॉब की होती है वो 2500 से 3000 यूरो के आसपास होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप जॉब ही करते हो, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपका समय और सीनियोरिटी बढ़ती है, सैलरी थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है, 3500-4000 यूरो तक जा सकता है। आप एक नॉर्मल वर्किंग पीपल की तरह यहाँ पे अपनी लाइफ अच्छी तरह से जी सकते हो। मेडिकल फील्ड में अगर आपने पैथोलॉजिकल लैब में जो अगर अपनी लैब खोली या तो फिर आगे जाके अपना नेटवर्क बनाया, उसमें यहाँ पे ग्रोथ का पोटेंशियल ज्यादा है कंपेयर टू बाकी की तीन। अभी हम बात करेंगे कि ये फॉरेनर्स के लिए कितना पॉसिबल है और हमको कैसे करना है। टू बी ट्रूथ टू बी से मुझे लगता है कि इसमें मिलना बहुत बहुत ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि पहले अगर हम नॉन मेडिकल फील्ड की बात करें तो यहाँ पे जो हाउस बिल्डिंग मिलने में क्या होता है कि जब स्टूडेंट लोग यहाँ पे स्कूल में या फिर कॉलेजेस में पढ़ते हैं, वो दौरान जो है वो मोस्टली पार्ट टाइम जॉब्स और इंटर्नशिप और वो सारी चीज़ें जो है के दौरान ये लोग ऑलरेडी ये लैब असिस्टेंट का काम करते हैं एज अ पार्ट टाइम जॉब, और उस टाइम में जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें सीख जाते हैं। वहाँ की यूनिवर्सिटी और कॉलेज वाले भी उनको जान लेते हैं। वो जो हाउस बिल्डिंग की पोजीशन जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो स्टूडेंट लोग ही फुलफिल कर देते हैं। सो 90% ऑफ द पोजीशन तो वहाँ से स्कूल से ही फुलफिल हो जाती है। फिर बाकी बचता है 10-15%, और उसमें भी जो है फिर वो बाकी के जर्मन लोग भी करना चाहते हैं, वहाँ पे मिलना बहुत टफ है। अब मेडिकल फील्ड की अगर हम बात करें तो आप हाउस बिल्डिंग की पोजीशन के लिए थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है, मैंने बोला कि आपका इतने अच्छे परसेंटेज होने चाहिए आपके 12th में, इसके बाद भी लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए। पोजीशन की भी अगर हम बात करें तो मिलना मुश्किल इसलिए होता है कि जब ये लोग यहाँ पे स्कूल करते हैं तो उसके बाद जो है यहाँ पे रिक्रूटिंग होता है। जब वो अपने 10th या 12th स्टैंडर्ड में होते हैं, उसके बाद जो है वो रिक्रूटिंग का पूरा लगता है। वहाँ पे जो है वो काफी बार इन ये जो बड़ी बड़ी लैब्स और वो सब होते हैं, एडवर्टाइजमेंट वो लोग करते हैं, वहाँ से ही वो स्टूडेंट लोगों को मोस्ट ऑफ द टाइम अट्रैक्ट और रिक्रूट कर लेते हैं, क्योंकि ये मेडिकल फील्ड है, रिस्पेक्टेबल जॉब है, यहाँ के लोग भी जो है उसको करना बहुत पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क नहीं है इसके अंदर। अगेन जो है वो कंपटीशन बहुत ही हाई रहता है इसके लिए। मेरे पास भी अभी तक कोई रिक्वायरमेंट आई नहीं है कि कोई एम्प्लॉयर ढूंढ रहा हो उसके लिए, पर हाँ वेबसाइट के ऊपर या तो फिर कहीं ना कहीं आपको ऐड तो जरूर मिल जाएगी रिक्रूटमेंट के लिए। अगर आप मानते हो कि आपकी प्रोफाइल इस चीज के लिए सेट होती है, आप जरूर ट्राई कर सकते हो। इम्पॉसिबल कोई चीज नहीं है, थोड़ा मुश्किल जरूर है, ये मेरा टेक है। अगर आपको पोजीशन मिल जाती है, अगर आपको जॉब मिल जाती है, आप मेरा जरूर कांटेक्ट कीजिए ताकि हम लोग एक इंटरव्यू लेंगे और बाकी सारे स्टूडेंट को जो है वो थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। आई होप मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दी है। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे ऐसे वीडियो बनाने का। अगर आप हाउस बिल्डिंग करना चाहते हैं, जरूर लिंक दबाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टिल देन, हैव अ नाइस डे।